أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ यूसुफ मदनी। आज जो मेरा टॉपिक है वो है जो शजरकारी मुहिम हो रही है हमारी गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि हम शजरकारी करें। शजरकारी में दोस्तों हम अपना साये के हवाले से और बहुत सारे अच्छे अच्छे दरख्त जो है उनको हम लगा रहे हैं, तो इससे डेफिनेटली जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, गर्मी के हवाले से, आलूदगी के हवाले से, इंसानों की ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि दरख्त जो है वो सारा दिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इंसान छोड़ते हैं वो गैस दरख्त लेता है और दरख्त जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि इंसान ऑक्सीजन लेता है और दरख्त छोड़ता है, तो सारा दिन जो दरख्त ऑक्सीजन छोड़ता है वो हम ऑक्सीजन लेते हैं बतौर इंसान। इसी तरह रात के वक़्त दरख्त ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो रात को दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसीलिए कहते हैं इंसान 24 घंटे ऑक्सीजन ही लेता है और दरख्त दिन को ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड खाता है लेता है, तो इंसान जो है वो 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन यूज़ करता है, अपने अंदर लेके जाता है, बाहर आती है तो वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो दरख्त इस्तेमाल करते हैं। और इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, यानी ये भी मैंने पढ़ा है कि तकरीबन कोई 36 लोगों के लिए कम से कम एक दरख्त का होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी खूबसूरत बात है दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट केपीके में पिछले टेन्योर में थी, सूबाई लेवल पर उन्होंने दरख्त लगाने का बहुत बड़ा काम किया। अब भी मतलब वो पूरे पाकिस्तान में, चूँकि पीटीआई की कुलिशन गवर्नमेंट है, तो वो चाहते हैं कि हम जो दरख्त लगाना चाहते हैं उसमें स्टूडेंट्स और दीगर उन्होंने लोगों को शामिल कर रहे हैं, बाकायदा मुहिम जो ही कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा, मेरे जहन में एक मशवरा है, आप दोस्तों को पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें और इसके हवाले से फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपना पैगाम गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास प्लान है, मशवरा है कि गवर्नमेंट अगर ऐसा कर दे जैसा मैं मतलब बताना चाहता हूँ आपको, तो उससे गरीबों का फ़ायदा भी होगा, शजरकारी भी होगी, दरख्त भी होंगे, साया भी होगा, फल भी होंगे, सारा कुछ होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ और आपको अगर पसंद आए तो आप उसको अप्रिशिएट करें, कमेंट करें और गवर्नमेंट के हर फोरम पर आप उसको उठाएं, जो भी सुने मेरी वीडियो, और अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं तो आप सोशल मीडिया के ऊपर उसकी मुहिम जो ही करें। अल्लाह करे हमारी ये गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को समझे और उस पर काम करें। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, इसी तरह यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहरें हैं, नहरों के ऊपर हमने बेकार दरख्त लगा रखे हैं, यानी बेकार के हवाले से कुछ दरख्त तो उनकी लकड़ी काम आती है, जैसे कीकर और टाली और दीगर शीशम जिसको कहते हैं उर्दू में, जिसको पंजाबी में टाली कहते हैं, जिसको देसी कीकर पंजाबी में, ये हम ज़्यादा सफ़ेदे भी हैं कुछ, लेकिन ये ज़्यादा दरख्त हम बगैर जो फल देते हैं उसके वो हमने नहरों के ऊपर, रोड जो है हमारी सड़कें हैं उनके ऊपर हमने लगा रखे हैं। मेरा प्रोग्राम ये है कि अगर नहर और सड़कों के ऊपर फलदार दरख्त लगाए जाएं, यानी फलदार दरख्त लगाकर और उनकी केयर के हवाले से कोई थोड़ा बहुत उजरत लोगों को देकर, या उसका एक बेहतरीन मैं जो प्लान है मेरे दिमाग में कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का जो टोटा बनता है एक नहर का, एक मेन सड़क का, उसके ऊपर जो फलदार दरख्त होंगे वो एक किसी गरीब को, किसी बेवा को, ऐसे लोगों को अलाटमेंट कर दी जाए, जिस तरह रेलवे के ऊपर कुछ
खोखे या कुछ स्टॉल्स होते हैं वो बेवा को या वो जो ख़वातीन होती हैं रेलवे वालों की बेवा, उनको उसकी अलाटमेंट दी जाती है। वो खातून फ़र्ज़ किया गवर्नमेंट की तरफ से उसको अलाटमेंट उसकी होती है कि जी ये आपको फ्री मिल गए, आप इसको रेंट पे देकर अपना उजरत ले लें और आपका घर चल जाएगा, आपका चूल्हा चल जाएगा। वो खातून गवर्नमेंट को मे भी कुछ थोड़ा बहुत देती हो या उसको रेलवे वाले फ्री देते हों, तो वो फिर आगे उसको ठेके पे किराए पे महीने का 15,000-20,000 के ऊपर दे देती है और उस खातून का घर भी चल जाता है और गवर्नमेंट के ऊपर उसका कोई बर्डन भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी नहरें हैं और जितनी भी सड़कें हैं मेन, इनके ऊपर फलदार दरख्त लगाए जाएं। फलदार दरख्त लगाकर हर 2 किलोमीटर का जो टोटा है, हर 2 किलोमीटर का जो पीस है एक नहर का, एक मेन सड़क का, उसके जो दोनों अतराफ में फलदार दरख्त होंगे, उनको ज़ाहिर है वहाँ से पानी भी मिलेगा नहर से। अगर रोड है तो रोड भी हमारे अमूमन नहरों के ऊपर है, नहीं हो तो फिर भी उसको पानी की अवेलेबिलिटी तो ज़ाहिर है की जाती है, जैसे बेलदार आप दरख्तों को पानी देते हैं तो उनको जो पानी देना है, फिर ज़ाहिर है वो 2-3 साल में दरख्त 4 साल में बड़ा हो जाता है। लेकिन आम साए वाले दरख्तों की बजाय हम अगर फलदार दरख्त लगा लें, आम के दरख्त हैं, जामन है, इसी तरह अपना अंगूर की जो बेलें हैं ये भी लग सकती हैं, इसी तरह केले के लग सकते हैं दरख्त, दीगर इस तरह फलदार जो दरख्त हैं माल्टे के लग सकते हैं, अमरूद के लग सकते हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा दरख्त हैं जो कि फलदार दरख्त नहरों के सड़कों के अतराफ में लगाए जा सकते हैं। अच्छा, उनको लगाकर आप किसी भी गरीब बंदे को जो उस एरिए का रहता हो, जिस गांव में वो हदूद आती हो, यानी जो हदें वो हदूद अपने उन गांव में शहरों में इलाकों में लगती हैं, वहाँ के जो माली तौर पर कमज़ोर लोग हैं या बेवा है कोई या कोई ऐसी फैमिलीज़ हैं, उनको 1 किलोमीटर का टोटा, 2 किलोमीटर का टोटा या जितना भी वो तकसीम करके वो उन लोगों को दे दिया जाए कि जनाब जो इसका फल होगा वो आप किसी को ठेके पे दे दें, किसी को बेच दें, तो उससे वो साल का 50,000 ले लें, 1,00,000 रुपया ले लें, वो ज़ाहिर है वो ठेके पे दे देंगे, वो किसी व्यापारी जो फ्रूट का काम करते हैं लोग उनको, व्यापारी को दे देंगे, वो उनसे यानी गवर्नमेंट के ऊपर ये बर्डन भी नहीं होगा और वो जो गरीब है बेवा या कह लें कोई ऐसी कमज़ोर फैमिलीज़ हैं गांव में रहने वाले हैं, वो अपना घर भी चला सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कट्टे और मुर्गियां और ये बिछड़े वगैरह मवेशी देना चाहते हैं, प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, तो मैं कहता हूं कि वो जो मवेशी है वो तो अपने पैसों से ज़ाहिर देने हैं, फिर आगे वो उन्होंने उनकी रखवाली करनी है, उनको देखभाल करनी है, चारा डालना है, उनका ज़ाहिर ख़र्चा भी होगा, ज़ाहिर है फिर उनको दूध की शक्ल में उसको और उसके बच्चे जो होंगे उसके हवाले से आमदन आएगी गरीब को। सेम उसी तरह हमारी नहरों के ऊपर जो दरख्त होते हैं उनके लिए नहर में ज़ाहिर है पानी है तो पानी करीब अवेलेबल है, और इसी तरह सड़कों के करीब भी अमूमन पानी की अवेलेबलिटी होती है, तो नहीं तो जैसा कि जब होता है तो इस तरह मतलब वो उन सड़कों से और सड़कों पर या नहरों पर जो दरख्त होते हैं उनका पानी भी उधर अवेलेबल होता है और उनको पानी डाल के बड़े करके, तो जो गरीब लोग हैं, गरीब ख्वातीन हैं, गरीब आबासी हैं, गांव के रहने वाले हैं, वो उन दरख्तों को ठेके पर देकर सेल, उनका फल सेल करके अपना अच्छा गुजारा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, आपको पसंद आए तो आप मुझे कॉमेंट करें, बताएँ गवर्नमेंट को, इसका सोशल मीडिया के हवाले से आगे पहुँचाएँ, शेयर करें, आप इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल गुड न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब भी करें और आप इसको इसके ऊपर जो लाजमी अपना रद्द अमल दें, तो मेहरबानी, शुक्रिया।